जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है और आज भाजपा ने सपा पर पोस्टर वार किया है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने के एक दिन बाद पार्टी ने अपर्णा यादव और बदायूं के सांसद और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का एक पोस्टर जारी किया जो चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा के इस पोस्टर में अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य की फोटो है। इसके साथ ही लिखा है, सुरक्षा चक्र सुरक्षा जहां बेटियां वहां। भाजपा ने इस पोस्टर के जरिए खुद के महिला हितैषी होने का संदेश दिया है। भाजपा के पोस्टर आते ही सियासी हलके में चर्चाएं तेज हो गई क्योंकि ये पोस्टर एक तीर से कई निशाने साध रहा। एक तरफ अपर्णा यादव है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा। उत्तर प्रदेश की जनता को भाजपा के शोषण से मुक्त कराने का जो हमारा संकल्प है, भाजपा के लोग सिर के बल खड़े हो जाएं, तो भी भाजपा की नैया पार होने वाली नहीं है। डॉक्टर संघमित्रा ने जवाब दे दिया है, आप उस ट्वीट को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप शायद आप भी इस पर खुश नहीं होंगे। और रही बात, क्या हाथरस की घटना भूल गए क्या? क्या उन्नाव की दो दो घटना भूल गए क्या? क्या आपके लखीमपुर की घटना भूल गए क्या? क्या इस तरह से झांसी की घटना भूल गए क्या? पूरे प्रदेश में इस तरह दर्जनों जो घटनाएं हुई हैं, क्या आप भूल गए क्या? ये पोस्टर और ट्वीट करके आप क्या अपने पाप को धोना चाहते हैं क्या? कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 41 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें 16 महिलाओं को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सहारनपुर शहर से सुखविंदर कौर, कैराना से हाजी अखलाक, शामली से मोहम्मद अयूब जंग, चरथवल से डॉक्टर यास्मीन राणा, बुढ़ाना से देवेंद्र कश्यप को टिकट दिया गया। तो देखिए टिकट जारी हो गए हैं। चंदौसी से मिथिलेश को उम्मीदवार बनाया गया है, सिवाल खास से जगदीश शर्मा, मेरठ टेंट से अमनीश कजाला। 41 प्रत्याशियों में और भी नाम है, कैराना से हाजी अखलाक हैं, शामली से मोहम्मद अयूब, चरथावल से यास्मीन राणा, सहारनपुर नगर से सुरविंदर कौर हैं और इसके अलावा खतौली से गौरव भाटी, मीरापुर से मौलाना जमील, बिलारी से कल्पना सिंह, ठाकुर द्वारा से सलमा आगा अंसारी हैं, चंदौसी से मिथिलेश हैं, सरधना से सैयद रियानुद्दीन, मेरठ साउथ से नफीस सैफी, बड़ौद से राहुल कश्यप और लंबी लिस्ट है। बागपत में अनिल देव त्यागी को टिकट मिला, साहिबाबाद से संगीता त्यागी, मोदीनगर से मिर्जा कुमारी, सिकंदराबाद से सलीम है, डिवाई से सुनीता शर्मा है, स्याना से पूनम पंडित, बुलंदशहर से सुशील चौधरी, अनूपशहर से चौधरी गजेंद्र हैं और थाना भवन से सत्यचांद सैनी को टिकट मिला, सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर है, बुढ़ाना से देवेंद्र कश्यप है, चरथावल से यास्मीन राणा है, बिलारी से कल्पना सिंह है। तो ये 41 जो लोगों की लिस्ट जारी हुई है वो आपके सामने है।